बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाही ऑफिशियल में खुश आमदीद। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मिली बग के हवाले से। ये कपास के पौधे हैं, इनको आप देखें। कि मिली बग का इसके ऊपर हमला हो चुका है, जिससे कपास के पौधे सूखना शुरू हो गए हैं। ये कपास का एक ऐसा रस चूसने वाला कीड़ा है कि जिस पौधे पे भी ये हमलावर होता है वो पौधा आहिस्ता आहिस्ता सूखना शुरू हो जाता है। ये देखें दोस्तों, कपास के मुख्तलिफ हिस्सों पे इसका हमला हो चुका है। हमने इसका स्प्रे करवाया था, हमें इसके अच्छे रिजल्ट मिले हैं, तो आप दोस्तों के साथ शेयर करने लगे हैं। डिटेल से आपको बताते हैं। दोस्तों, ये मिलीबग के लिए हम स्प्रे तैयार करने लगे हैं। आपको ये डिटेल से बताते हैं कि आपने कौन कौन सा केमिकल इसके अंदर मिलाना है। ये 20 लीटर 25 लीटर वाली पानी की टैंकी है, जनरेटर वाली। अब हम डालने लगे हैं 60 सीसी साइपरमेथ्रिन डालें जी। ये दोस्तों, हमने 60 सीसी साइपरमेथ्रिन 25 लीटर वाली पानी की टैंकी में डाल दिया है। अब हमने 50 सीसी जो है वो लैम्डा डाला है। अब ये कपड़े धोने वाला जो ब्लीच है, ये हम 200 ml डालने लगे हैं। ये भी एक टैंकी के अंदर आप डाल दें। ये जनाब 200 ml हमने कपड़े धोने वाला ब्लीच इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब हम इसके अंदर डालने वाले हैं कपड़े धोने वाला सर्फ। आप सर्फ कोई सा भी डाल सकते हैं। ये 5 से 7 ग्राम हमने ये सर्फ भी इसके अंदर अब मिक्स कर दिया है। ये दोस्तों, मिली बग के लिए ये एक मिक्सचर हमने तैयार कर लिया है, जिसका अभी हम अपने खेत पे स्प्रे अप्लाई करेंगे। ये मज़ीद मिली बग के पौधे आपको दिखाते हैं कि किस तरह से इन्होंने कपास पे हमला कर रखा है। एक स्प्रे पहले हमने करवाया था, इसका हमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। ये देखिए जी, उस्ताद रेडी हो गए हैं। ये जनरेटर वाली मशीन से हम अब इसका स्प्रे करने लगे हैं। जहाँ मिलीबग के पौधे हैं, जिस पौधे पे मिलीबग का हमला हुआ है, उसको अच्छी तरीके से आप धो दें। ये देखिए, आपको मुकम्मल तफसील के साथ हम बता रहे हैं। इसी तरीके से
इसी तरीके से दोस्तों आप भी अपने खेत में स्प्रे अप्लाई करें जहाँ पर मिली बग का शदीद अटैक हो, इंशाल्लाह इसके बहुत अच्छे आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, आगे दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि हमारी वीडियो किसी और दोस्त के काम आ सके। नेक्स्ट वीडियो के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।